मुस्कान अधूरा 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 सा लगता है बोल रही। मुस्कान का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है। मन्नू जैसे ही आएगा वैसे ही देखेगा घर में इतना सन्नाटा छाया हुआ है। तो पहले देखो भैया आ गया। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और मुस्कान को मैं उठा रही हूँ, मगर उठ नहीं रही है। किधर गई? इधर है। उठ नहीं रही है, उठ जाओ। और आज उसका सब्जी बनने वाला है, केला, कच्चा केला, जिसको मैं अभी तोड़ने के लिए जा रही हूँ। चाकू मेरे हाथ में है। किसमें से काटे, इसमें से या इसमें से, समझ में नहीं आ रहा। मन्नू होता तो उधर घुस के काट लेता। क्या करें, इसी में से काट लेते हैं। सामने है बोला सब्जी है नहीं, तो मैं सोची कि केला ही काट लेती हूँ। घर में आखिर सब्जी है, 3 दिन खान दी है तो क्या होगा। कैसे इसमें ऐसे दाग दाग ऐसे हो जाता है पता नहीं। अभी तोड़ के बाहर ही रख दिए हैं क्योंकि उसमें से उसका पानी निकलता है। अगर वो लग गया कपड़ा वगैरह में तो फिर वो छूटता नहीं है, बिल्कुल रेड रेड लग जाएगा पूरा। और हाथ में लग गया तो हाथ काला हो जाता है। पिछले बार मैं चॉपिंग बोर्ड में तुरंत तोड़ करके लाई और तुरंत काटी तो सारा चॉपिंग बोर्ड काला हो गया था, जिसको कि मुझे छुड़ाने में बहुत मेहनत करना पड़ा। तो ऐसा होता है उसका पानी। अगर एक बार कपड़ा में लग गया, खासकर व्हाइट कपड़ा है, तब तो फिर बर्बाद ही है। या कोई ब्लैक कपड़ा है या कोई डार्क कपड़ा है तब तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन व्हाइट कपड़ा रहा तो बेकार हो जाता है। मुस्कान उठ गई है और पन्नू का कॉलेज आज थोड़ा लेट से है, इसलिए मैं आराम से काम कर रही हूँ। कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझसे उठ गई है। उठ जा, अब मुस्कान काम काम करेगी। बोल रही हूँ अब मुस्कान अपना क्लास करेगी और फोन जाएगा मुस्कान के पास। अब कुछ भी सूट नहीं होगा। मैं सूट कैसे करती हूँ, जैसे ही मुस्कान का ब्रेक होता है बीच में तो मैं ले लेती हूँ, सूट कर लेती हूँ, फिर जैसे ही क्लास होता है वापस मुस्कान को दे देती हूँ मैं। इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है, क्या करें। दो ही फोन है, एक मन्नू अपना पढ़ाई करता है, एक मुस्कान करती है, इसी में मुझे ब्लॉग भी बनाना पड़ता है। अभी मैं सारे कपड़े तय लगा करके मैं रख दी हूँ, जो कि मैं कल धोई थी। और ये कपड़ा सारा है जिसको कि अभी आयरन करना है, लेकिन उससे पहले मुझे मन्नू का बेड का चादर चेंज कर लेती हूँ मैं, फिर मैं आयरन करूंगी। मुस्कान का क्लास खत्म हो गया है, मुस्कान को खाना खाना है ना, खाना खाना है मुस्कान को। सुबह हम फ्रूट खाती है तो अभी क्लास खत्म होते तक उसका सारा फ्रूट पच जाता है। आज मुस्कान को 2 रोटी दे रहे हैं, पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी। कल एक ही रोटी खाई थी, आज 2 रोटी दे दे रहे हैं। खाएगी ना 2 रोटी? नहीं पता, मुस्कान को पता नहीं रहता असल में कि कितना रोटी खाने वाली है, लेकिन 2 रोटी कोशिश करना खाने का, समझ गई। एक दिन सिर्फ खाई थी 4 रोटी, उसके बाद 2 रोटी खाई, उसके बाद कल फिर 1 रोटी खाई थी। रोटी एक एक करके कम होता जा रहा है। हाँ। कहे एक एक करके कम करते जा रही है तुम? पहले 4 फिर 3 फिर 2 1 फिर 0, फिर 0 हो जाएगा। खावे नहीं करेंगे। दूध दूध के साथ बच्चे रात में भी दूध रोटी खाते हैं और सुबह में भी दूध रोटी खाते हैं, बिना दूध का खाना नहीं होता है। दूध बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोग लाइफ का, बिना दूध का कोई नहीं खाने वाला है। दूध हम लोग बचपन से आदत है, हम लोग को भी बचपन से दिया जाता था, इन लोगों को भी आदत किया हुआ, क्योंकि मैं खुद ही खाती थी दूध, तो इन लोगों को भी बचपन से ही दूध खिला रही हूँ, तो ये लोग भी। दूध नहीं रहेगा तो सुबह का रात का खाना मुश्किल है। खा मुस्कान, अधूरा अधूरा सा लगता है बोल रही। सही बात है, आदत इतना पड़ गया दूध का कि बिना दूध का खाना नहीं होता है। क्या दिक्कत हो गया पहले नहाने के लिए? क्या दिक्कत हो गया पहले नहाने के लिए? दिक्कत मेरा है, सब मेरा है, तो हाँ। मैं पूछ रही हूँ, जाना ऐस करो ऐस करो। चादर बिछाए और वो आ गई सारा कुछ बिगाड़ने के लिए। मेरा मेहनत पानी में ला देती है, मतलब कभी बेड मेरा सही नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। तो
सिर्फ चादर चेंज करने का देर है, सब फैलाना शुरू कर दी है। खुश हो रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। और हो गया, पानी ला दे। मुस्कान का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है, अच्छे से खाना वाना खाई, नहाई, सारा कुछ की, उसके बाद फिर अभी उल्टी कर ली, अभी सो रही है और उल्टी लग रहा है। बहुत देर से बोल रही थी कि उसको क्या बोले, पेट में हल्का हल्का सा दर्द वैसे हो रहा था ना, हल्का हल्का से पेट दर्द कर रहा था और उल्टी उल्टी लग रहा था इसको। नहा के निकली तो भी मुंह बनाते हुए निकल रही थी, तो पूछे भी इसको क्या हुआ है, तो बोल रही पेट दर्द कर रहा है, लगता है खाना पचा नहीं या ठंडा लग गया है। ठंडा तो नहीं लगा होगा क्योंकि स्वेटर वगैरह सारा पहनी रहती है हमेशा। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगी, मेरा क्यूट बच्चा ठीक हो जाएगी ना। अभी खाना खाने का टाइम हो गया था दोबारा, मैं चावल बना करके रखी हूँ और आज लाइट लाइट बहुत परेशान करके रख दिया है। 5 बार मैं तब वॉशिंग मशीन में सुबह में कपड़ा डाली हूँ, 5 बार लाइट कटा आया, उसके बाद जाके अभी धुला है और मैं कपड़ा आयरन भी नहीं की हूँ, बहुत परेशान। अभी मुस्कान सो गई है, मैं जाती हूँ कपड़ा डाल करके आ जाती हूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा उसको, कितना अच्छा से नहाए वही सारा कुछ की, फिर अचानक से पता नहीं। धूप तो है अभी हल्का सा, कपड़ा सूख जाना चाहिए, शाम तो हो गया लेकिन सामने में तो 3 बज गया है, शाम का 3 बज गया है। मैं आयरन कर लेती हूँ, तब तक अभी लाइट है, पता नहीं कब तक लाइट रहेगा कब नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं होता है। जो काम सुबह करना था वो शाम हो गया करते करते, सिर्फ लाइट की वजह से इतना लेट हो जाता है। मैं सोच के रखी हूँ कि कोई भी कपड़ा मैं ऐसे ही नहीं रखूंगी जो बिना आयरन का, वो तो रखा जाएगा तह लगा के, जो आयरन वाला कपड़ा रहेगा उसको मैं आयरन करके ही रखूंगी, क्योंकि एक बार कपड़ा तह लगा के रखा गया तो फिर वो रखा गया, फिर जब जरूरत होता है ना तो ढूंढना पड़ता है कि कहाँ रख दी हूँ मैं कपड़ा, फिर फटाफट से आयरन करना होता है, और लाइट नहीं रहा तो फिर रह गया, वो तो अलग ही टेंशन का घर हो जाता है कि पहन के जाना है, कपड़ा आयरन नहीं है, लाइट भी नहीं है। ये लॉकडाउन आदत बहुत बिगाड़ करके रख दिया है हम लोग का। 1.5 घंटा हो गया मुस्कान अभी तक सोई है और मैं यहीं पे चक्कर लगा रही हूँ, क्या करूँ, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और अभी मन्नू भी नहीं आया है, मन्नू जैसे ही आएगा वैसे ही देखेगा घर में इतना सन्नाटा छाया हुआ है, तो पहले ही बोलेगा कि मुस्कान कहाँ गई, जिसको पता चलेगा कि मुस्कान का तबीयत खराब है तो फिर, क्योंकि दोनों जन इतना अच्छा से दोनों जन लगे रहते हैं ना, खेलते रहते हैं दोनों जन, अभी आएगा तो उसका मुंह बन जाएगा मुस्कान को देख के। सच में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, बिल्कुल मतलब सन्नाटा हो गया है, ऐसे भी अकेले ही रहते हैं हम लोग और वो सो गई है तो फिर और भी खराब लग रहा है, उससे ज्यादा ऐसे लग रहा है कि मैं ही बीमार हो गई हूँ बिल्कुल। और ठंडा लग रहा है, शाम हो गया इसलिए मैं शॉल भी ओढ़ ली हूँ, ठंडा लगने लगा है और अब तो ठंडा ज्यादा ही बढ़ रहा है। बीमार है पूरी सुबह उठती है, बस नहीं छूटता। उठ जाओ, बहुत देर से सोई है, उठ जाओ। देखो भैया आ गया। उठेगी? खाना खाई कुछ? जो खाई थी तो निकालिए थी, उसके कहाँ खाई है, क्लास की खाना खाई, अच्छा से नहाई वहाई सब कर ली, उसके फिर बाद में पूरा उल्टी उल्टी करके फिर सो गई है। अभी खाना निकाल दिया तो फिर से वापस इसी के पास आ गया। अब तो मुझे दिख रहा है सब डोंट डिस्टर्ब। चलो खाना निकाल दिया, अभी बोल रहा था कि बहुत भूख लग रहा है, अभी खाना निकाल दिया तो फिर वापस आके इसी के पास, हमको पता था इसका यही होने वाला, चिपकने वाला, उसी के पास जा गए। चलो देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं।
देखो मम्मी परेशान कर रहे हैं उनको। भैया परेशान कर रहा ना मुस्कान तुमको? हाँ मुस्कान भैया परेशान कर रहा ना? नहीं कर रहा प्यारा बच्चा लोग। चलो बेटा